Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dr. Nashiba Salman and Skin Solutions. Good evening, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे. जी हाँ, जिस भी चीज़ का आप ख्याल रखेंगे वो बहुत अच्छी रहेगी, वेल मेंटेन रहेगी, ख़राब नहीं होगी. जिस चीज़ का आप ख्याल नहीं रखेंगे वो उतनी अच्छी नहीं रह सकती है और वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी और फिर आपको तंग भी करना शुरू हो जाएगी. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी स्किन, आपके बाल जितने भी अच्छे क्यों ना हो, जेनेटिकली आपको, रेशियली जेनेटिकली आपको बहुत खूबसूरत बाल, बहुत अच्छी स्किन मिली हुई है, बट उसके बावजूद उसका ख्याल रखना, उसका लुक आफ्टर करना और उसकी एक ख़ास रूटीन, डेली रिजीम जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. वरना वही बाल जो कि बहुत अच्छे हैं और वही स्किन जो कि बहुत अच्छी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगी. जी, थोड़ा थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से स्किन और बाल जो है उनका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद बट आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द कंट्री. आप लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, जिस जिस सिटी से, जिस जिस जगह से देख रहे हैं पाकिस्तान से, आप बताते जाएं कि वहाँ पे वेदर में कितना चेंज आ गया है और वेदर चेंज के साथ आप अपनी रूटीन में क्या क्या चेंजेस करते हैं. चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर. आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी हेयर, यानी कि हम हेयर फॉल को रोकने के ऊपर बात करेंगे कि बाल क्यों टूटते हैं या बाल क्यों गिरते हैं. सबसे पहले तो ये कि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं. बालों का गिरना डिफरेंट होता है और बालों के गिरने का मतलब ये है कि वो यहाँ वहाँ गिरे हुए, जैसे पिलो के ऊपर गिरे हुए आपको मिलते हैं, कपड़ों पे, शोल्डर्स पे गिरे हुए मिलते हैं और हर वक्त आपको यही लगता है कि नीचे ज़मीन पे देखें तो वहाँ पे भी गिरे हुए हैं. और उसी तरह से बालों का टूटना डिफरेंट होता है. टूटने का मतलब ये है कि जिस वक्त उनको फ्रिक्शन दी जाती है, जैसे आप शैम्पू कर रहे हो, आप ऑयल लगा रहे हो या कोई भी अपनी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो, बालों में ब्रश कर रहे हो, कोम कर रहे हो, तो बाल टूटता है. अब मैं आपको ये बता दूं कि गिरने और टूटने में डिफरेंस तो है ही. जब बाल गिर रहे होते हैं तो हमें इंटरनल कॉज देखना चाहिए कि बॉडी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आ रही हैं या क्या ऐसी चेंज है जिसकी वजह से हमारे बाल गिर रहे हैं. और अगर बाल टूटता है तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से बाल वीक हो रहा है, बाल फ्रेजाइल हो रहा है और वो आसानी से टूट रहा है. कुछ लोगों में दोनों चीज़ें होती हैं, बाल गिर भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं. ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये समझने में कि एक्चुअली आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उसको डील करने का क्या तरीका है. अगर बाल गिर रहे होते हैं तो फिर हमने इंटरनल कॉजेज देखने हैं. इंटरनल कॉजेज में जो टॉप पे चीज़ें आती हैं वो आती हैं बॉडी में डेफिशेंसीज, जैसे हीमोग्लोबिन का कम होना, विटामिन डी का कम होना. बालों के लिए विटामिन बी बहुत इम्पॉर्टेंट है. विटामिन बी का कम होना और या फिर आपका हार्मोनल चेंज होना, हार्मोन्स जो कि डायरेक्टली बालों की ग्रोथ या बालों को ख़राब कर सकते हैं, उसमें थायराइड टॉप पे आता है, तो थायराइड हार्मोन का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपके बाल गिरते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि इंटरनल कॉज तो डॉक्टर ही देख सकता है ना. तो उसमें ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जितने भी इसेंशियल आपके टेस्ट्स हैं वो टेस्ट करा लेंगे और पता चल जाएगा कि इंटरनल कॉज है या नहीं है. अगर कोई इंटरनल कॉज होगी तो डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे और ऊपर से भी हमें जो चीज़ें लगाने की ज़रूरत है वो डेफिनेटली आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा. इंटरनल कॉजेस में एक बहुत बड़ा कॉज जो है वो डिलीवरी के बाद, यानी कि लेडीज में जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी बाल जो हैं वो गिरते हैं. इसके अलावा PCOs में या फिर जो हर्सुटिज्म जिन लोगों में चल रहा होता है कि मुंह के ऊपर मोटे मोटे बाल आ रहे हैं जहां बाल नहीं चाहिए और सर के बाल जो हैं वो हल्के हो रहे हैं, तो उसके उसमें भी जो है वो आपके बालों की थिनिंग होगी और आपके बाल गिरते हैं. ये तो हो गए इंटरनल कॉजेस. अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल कॉजेस पे. एक्सटर्नल कॉजेस में जो टॉप पे आता है वो आता है अनसुटेबल प्रोडक्ट्स का यूज करना. अनसुटेबल प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकते हैं. अनसुटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपका शैम्पू भी हो सकता है, अनसुटेबल प्रोडक्ट आपका जो है वो कंडीशनर भी हो सकता है, अगर आप कोई सीरम यूज करते हैं वो भी हो सकता है, अगर आप कोई ऑयल यूज करते हैं वो भी हो सकता है,
उसके अलावा जो सैलॉन बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आपने एक्सटेंसो करा लिया बालों को सीधा करने के लिए, या आपके बाल सीधे थे तो आपने बालों को परमानेंट पर्म करा लिया, या फिर ये है कि आपने जो है वो ब्राजीलियन ब्लो ड्राई जो होता है वो करा लिया, और या फिर जो है वो आपने कैरेटिन करा ली। अब देखें, कैरेटिन वैसे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से या सब स्टैंडर्ड कैरेटिन की जाएगी तो उससे भी बाल डैमेज हो सकता है। उसके अलावा जितने भी हीटिंग टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे आप डेली बेसिस के ऊपर अगर जो है वो करना शुरू कर देंगे ब्लो ड्राइंग, तब भी ऐसे ही होगा कि बाल रूखा, खराब और फ्रेजाइल और वीक होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे या हफ्ते में बार बार जो है वो आप हेयर आयरन यूज करते हैं तो तब भी आपका बाल जो है वो कमजोर भी होगा और बाल खराब भी होगा। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा किया जाता है और मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज क्यों आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन देती है, वो क्वेश्चन ये कि क्या बालों को रोज वॉश करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बाल होते हैं उनको शैम्पू से वॉश करने की जरूरत नहीं होती। हमने अपने स्कैल्प पे शैम्पू लगाना होता है, बालों के ऊपर बालों की लेंथ पे शैम्पू नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे बाल इतने हैं और आपके बाल जो हैं वो इतने हैं या किसी के बाल और लंबे हैं, लेकिन जो शैम्पू का अमाउंट हम सबको चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम होगा। वो क्यों सेम होगा? क्योंकि शैम्पू ने तो स्कैल्प पे लगना है, उसने तो आपके बालों पे नहीं लगना। जिसे लेंथ में डिफरेंस है तो उससे शैम्पू के अमाउंट में डिफरेंस आएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है, ये कंफ्यूजन बहुत होती है कि क्या हमें डेली बालों पे शैम्पू करना चाहिए। बालों पे शैम्पू करना ही नहीं है, आपने सिर्फ स्कैल्प पे शैम्पू करना होता है। बालों की लेंथ के ऊपर कंडीशनर्स, सीरम्स, मॉइस्चराइजिंग मास्क, ये सारी की सारी चीजें जो है वो लगाई जाती हैं, और स्कैल्प के ऊपर इन चीजों को नहीं लगाया जाता। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या रोज शैम्पू करने से बाल खराब होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी चीज को साफ रखने से कभी कोई चीज खराब नहीं हुई। आपने कभी देखा है कि किसी चीज को साफ रखने की वजह से वो चीज खराब हो रही हो? कभी भी ऐसा नहीं होता। तो आपने अपने स्कैल्प की स्किन के हिसाब से उसकी सफाई करनी है, यानी कि शैम्पू करना है। अगर आपका स्कैल्प जो है वो ऑयली है, सेबेशियस है, ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो आप उसको डेली भी वॉश कर सकते हैं। अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो भी आप उसको डेली वॉश कर सकते हैं, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आप जरूर वॉश कर लें। अदरवाइज सारे के सारी डेब्री और सब चीजें जो है वो आपके स्कैल्प पे इकट्ठी होती रहेंगी, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम या इशू आता है वो ये आता है कि इचिंग भी होगी, आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दी नहीं रहेगा, और जो अनहेल्दी स्कैल्प होता है उसके ऊपर हेल्दी बाल, हेल्दी हेयर कभी भी नहीं होते। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन है वो ये कि मेरे सर में डैंड्रफ है, मेरे सर में खुश्की सिक रही है, इसलिए मैं उसको ऑयल लगाती हूँ। आपने जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्कैल्प्स होते हैं उन्हीं में डैंड्रफ लगती है, और वही जो है वो ज्यादा ऑयली और इची होते हैं। आपने ऐसे स्कैल्प के ऊपर ऑयलिंग नहीं करनी। अगर आपके फेस के ऊपर दाने निकलते हैं, फेस बहुत ज्यादा ऑयली है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनते हैं, तो आपने अपने स्कैल्प के ऊपर ऑयलिंग नहीं करनी, और कभी भी ऑयल लगा के आपने सोना नहीं है। आप सोएंगे उस सारे का सारा ऑयल जो है वो आपके नेक के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, कहीं पे भी लगता रहेगा, और उससे जो है वो बाल ब्रीद भी नहीं कर पाता, उससे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप इन चीजों का ख्याल रखें। अब मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए, कुछ गलतियां बताई। एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है वो क्या है? वो है कि बालों को उल्टा करके बालों को वॉश करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं किया करें। जो अल्लाह ने डायरेक्शन बनाई है, नेचुरल हेयर की जो डायरेक्शन है, आपने उसी में उसको वॉश करना है, उसी में आपने कंडीशनर लगाना है, उसी में आपने शैम्पू लगाना है। आप उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो उस वक्त बाल गीला होता है, बाल फ्रेजाइल होता है, बाल टूटेगा, रूखा होगा और आपको तंग करेगा। ठीक है जी, ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बारे में मैंने बात की, और ये बालों का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
बालों के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं और बहुत कॉमन इश्यूज हैं, और हर दूसरा बंदा कह रहा होता है मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं। एक और चीज भी मैं बता दूं कि कोविड जब से आया है तो जिन लोगों को कोविड हुआ या जिन लोगों को कोविड रहा उसके बाद भी लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरे, और हमारे पास रिपोर्ट भी हुए और मैं देखती भी हूँ, और क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं, बालों की कंप्लेन कर रहे होते हैं, जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनको कोविड रहा या कोविड हुआ था उसके बाद से उनके बाल गिर रहे हैं या खराब हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं उनको क्यों शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके कि किस तरह की चीज़ जो है वो अच्छी रहेगी या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो आपको एक हेयर स्टिमुलेटिंग और एक एंटी हेयर फॉल लोशन दिखाने वाली हूँ। ये लोशन जो है ये इसके अंदर या इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, जितने भी विटामिंस बालों के लिए ज़रूरी होते हैं वो, और उसके साथ साथ जितने मिनरल्स बालों के लिए ज़रूरी होते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के गिरने और टूटने को रोकने के लिए, वो सब इसके अंदर हैं। आप ये वाला प्रोडक्ट देखें, ये लोशन फॉर्म में है, लगाना बहुत ईजी है और बिल्कुल ग्रीसी नहीं करता, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ चीज़ें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है ये क्या कहते हैं मेल के लिए है और फीमेल के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये भी एंटी हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला है। इसके अंदर क्या क्या है या इसका जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वो हेयर ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर हेयर ग्रोथ फैक्टर्स हैं और EFG और FGF हैं। हेयर ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो बालों को गिरने से भी रोकेंगे और उसके साथ साथ रीग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। ये भी टोटली नॉन ग्रीसी है और लगाना भी बहुत आसान है, कोई भी लगा सकता है, मेल फीमेल। ठीक है, एक बड़ी ही कॉमन इंग्रेडिएंट है जो कि ज्यादातर लोग खुद ही यूज कर रहे होते हैं या करना शुरू कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज माइनॉक्सिडिल। माइनॉक्सिडिल आपको 2.5% में भी मिलेगा, 5% में भी मिलेगा। ये जिन लोगों का जो है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जैसे मेल्स के अंदर जो है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स बाल गिरते हैं, ये उनमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से फीमेल्स के लिए भी काम करता है, मेल फीमेल दोनों के लिए काम करता है, बट जिनके अंदर हॉर्मोनल इश्यूज की वजह से बाल गिर रहे होते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूं, ये जो है इसके अंदर प्रो कैपिल है और कैपिल है, और इसके अलावा और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और बालों का गिरना टूटना बंद करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक ये दिखा रही हूं, ये भी जो है वो स्प्रे या सिरम की फॉर्म में आप समझ लें। इसके अंदर सारे के सारे रिक्वायर्ड जितने बालों के लिए, अच्छे बालों के लिए या बालों को मजबूत करने के लिए या रीग्रोथ के लिए जितने भी विटामिन्स मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, वो सारे के सारे हैं। अच्छा, फिर मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये, इसके अंदर जो है वो कैपिल प्रो कैपिल है, इसमें भी कैपिल प्रो कैपिल है, इसके अंदर भी कैपिल प्रो कैपिल है, और इसके अलावा इस स्प्रे के अंदर भी कैपिल प्रो कैपिल है। इन तीनों के अंदर जो है मेन इंग्रेडिएंट सेम है, लेकिन उसके साथ जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इन तीनों में डिफरेंट है। तो फिर हम डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट फॉर्मुलेशन जो है वो देते हैं, ये देख के कि उसके लिए बेस्ट या सुटेबल क्या चीज होगी। उसके अलावा मैं आपको कुछ टैबलेट्स दिखाने लगी हूँ, ये देखें, ये हेयर नेल स्किन के लिए बहुत अच्छी टैबलेट है। ये आप एज ए सप्लीमेंट, जिन लोगों के बाल गिर रहे हों और सारा चेक कर लिया आपने, एग्जामिनेशन भी हो गया है और ये भी हमें पता चल गया कि इंटरनल कॉज है एक्सटर्नल, तो ये हम उसको साथ में दे सकते हैं पेशेंट को। अब मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बायोटिन है, और उसके अलावा जितने भी एसेंशियल विटामिंस या मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं ये भी हैं इसके अंदर। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये भी बड़ा जबरदस्त है, इसके अंदर जो है वो बायोटिन तो है ही है, उसके अलावा विटामिंस, जिंक, यानी कि मिनरल्स और विटामिंस जो है ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे इसके अंदर हैं। अब मैं आपको एक और दिखाने लगी हूँ सप्लीमेंट, इसके अंदर बायोटिन और उसके साथ साथ जो है वो फोलिक एसिड है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल कॉजेज जो है वो हेयर को डैमेज करने में या हेयर को गिराने में जो है वो हीमोग्लोबिन भी टॉप पे आता है, तो इसके अंदर दोनों चीजें डली हुई हैं, इसमें बायोटिन भी है और उसके साथ साथ फोलिक एसिड भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ जो है वो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, और आपको पता होगा कि मैं अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि काम नहीं करती है तो ना मैं लिखती हूँ, ना मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, और ना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज यू आर फैमिली। आज का सेशन हम करते हैं खत्म,
और फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लाइव सेशन में. अपना बहुत ख्याल रखें और क्या कहते हैं, खुश रहें और अपने बालों का, अपनी स्किन का ख्याल रखें. और जो सेशंस होते हैं उनको करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जितना आप लोगों को नॉलेज या आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें, वैलिड इन्फॉर्मेशन, ट्रू इन्फॉर्मेशन, वो आपके साथ शेयर कर सकें और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपको बता सकें और आपका जो भी इशू है वो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं. मैं जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसा प्रॉब्लम हो जिसको देखे बगैर डील नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको बता देती हूँ. तो अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.